जब आप दीजिए रोहित अग्रवाल, फिर जरूरत क्या है, जरूरत क्या है? आप सर्वे के कुछ भी नतीजे आ जाएं, अगर मान लीजिए पता चल भी जाए कि नीचे मंदिर है, लेकिन आप चरित्र तो बदल नहीं सकते ना, मंदिर धार्मिक स्थल का स्वरूप आप नहीं बदल सकते अकॉर्डिंग टू 1991 वर्शिप एक्ट। पूजा जी, धार्मिक स्थल किस लिए होता है? धार्मिक स्थल पूजा करने के लिए होता है, प्रार्थना करने के लिए होता है, और किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर अगर कोई आपत्तिजनक कार्य हो रहा है, उसका अगर सर्वे होता है, अगर उसमें से ये तथ्य निकाले जाते हैं कि साहब यहाँ पे कोई मूर्ति के साथ दुरुपयोग हो रहा है, तो ये तो सर्वे होने में तो कोई समस्या नहीं है ना। अगर किसी भी का सर्वे हो रहा है, अगर आपको आपका इतिहास ही गलत बताया जाए पूजा जी, तो आपको कैसा लगेगा? भाई सरकार के आदेश पे हो रहा है ना, कोर्ट के आदेश पे हो रहा है ना, तो संविधान से ही देश चलेगा ना, भीड़ तंत्र से नहीं चलेगा। भाई हम ये कह देंगे नहीं साहब 100 लोग आएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे इस डर के मारे, अगर कोर्ट आदेश करना बंद कर दे, फिर ये तो इस तरीके से तो भीड़ तंत्र से देश तो नहीं चल सकता किसी भी तरीके से। देश को तो आप किसी भी स्थिति के अंदर संविधान से ही चलाएंगे, और संविधान के अंदर अगर कोटे हैं और कोर्ट का आदेश हुआ है और उसको सरकार इंप्लीमेंट कर रही है, तो सरकार कहाँ पे गलत है? आप ये बताइए भाई, कांग्रेस ये बताए कि आपको अगर दर्द है किसी से पीड़ितों से मिलने जाने का, तो भैया फिर वो इतना बड़ा अनाउंसमेंट करके ढोल बाजा बारात बुला के काहे के लिए जा रहे हो? फोटो खिंचवानी है, रील बनानी है, क्या करना है आपको? पता है जाने तो आपको देंगे नहीं आपके। मुझे वो हाथरस वाला वो कांड याद आ रहा है, जयंत चौधरी गए थे ना, सभी अपनी राजनीति करते हैं, आज आप सरकार के साथ है तो आज आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुनिए तो बोल बात, रुके रुके वैभव जी, बीच में नहीं प्लीज, बीच में नहीं वैभव, चुप हो जाओ यार। हाँ देखिए, अगर ढोल बाजा बारात लेके गए होते तो लाठी ना पड़ती ना, इसीलिए लाठी पड़ गई थी क्योंकि वो पीड़ित के साथ खड़े होने गए थे, पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने गए थे, अकेले गए थे, इसलिए तो उनको घेर लिया ना कहीं ना कहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ढोल बाजा बारात लेके आप जाते हो तो आपका उद्देश्य है ही नहीं जाने का, क्योंकि आपको पता है आपके पास तो कार्यकर्ता नहीं है, समाजवादी पार्टी आपका अलायंस जो है वो आपको आपकी हैसियत दिखा चुका है अभी उपचुनाव में। अरे आप उपचुनाव में एक सीट चुनाव में नहीं लड़ पाए, कहीं प्रत्याशी नहीं अपना खड़ा कर पाए, तो आपको तो आपका अलायंस आपकी हैसियत दिखा चुका है। आपके पास ना कार्यकर्ता है, ना झंडा उठाने वाला है, ना गाड़ी में पानी की बोतल रखने वाला है। भैया कहाँ जा रहे हो? खाली रील ही तो बनानी है, रील बना लो लखनऊ में, लखनऊ कार्यालय के बाहर भी नहीं निकल रहे। आप रील भी कहाँ बनाने दे रहे हैं ना, रोक दिया जा रहा है उनके कार्यालय में ही उनको। रील बन जाएगी, वो सब पूरी व्यवस्था होती है। हम भी बहुत समय लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, हमें पता है कैसे रील बनती है, किस तरीके से रील बनाई जाती है। अच्छा, कोशिश आपकी भी रही है रील बनाने की, मतलब पास नहीं है ये, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वैभव त्रिपाठी यहाँ पे आके बढ़िया त्रिकुंड लगा के टीवी पे बैठ के डिबेट कर सकते हैं, परंतु ये झंडा कांग्रेस का नहीं दिखा पाए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, त्रिपाठी अभी भी आधा घंटे का डिबेट बचा, अपने घर में कांग्रेस का झंडा निकाल के दिखा देंगे ऑन एयर। इनके घर में कांग्रेस का झंडा नहीं होगा, परंतु टीवी बैठ के कांग्रेस का पक्ष। पर्सनली कटाक्ष नहीं ना, मुद्दे पे बात कीजिए ना, पर्सनली आप क्यों तंज कस रहे हैं, जो मुद्दा है उस पे बात कीजिए। कटाक्ष हो गया, तुम्हारे घर में समाजवादी पार्टी का झंडा जरूर होगा। रुकिए वैभव जी, मुद्दे पे बात कीजिए ना रोहित जी, आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, आप मुद्दे पे एकदम खरी खरी बोलते हैं। पार्टी वालों को अदानी का बताएंगे वो बढ़कर कटाक्ष नहीं है, और यहाँ हम कह रहे कांग्रेस का झंडा दिखा दो, कांग्रेस के पे तुम क्या नाम है कार्यकर्ता हो, ये पर्सनल कटाक्ष हो गया। अरे गजब व्यवस्था है भाई। भाई मैंने तो उनको भी इनका मैंने तो उनको भी मना किया, मैं आपको भी वही कह रही हूँ। अब मुद्दे पे आइए ना, ये थमेगा कैसे ये बवाल, ये बताइए, ये संभल हिंसा को लेकर सिर्फ बयानबाजी रहेगी? नहीं नहीं थमेगा, देखिए सामाजिक ताना बाना बना हुआ है देश के अंदर, सरकार कानून व्यवस्था से चलती है, संविधान से चलती है, थम तो वहां पे गया ही है, वहां पे पूरी तरीके से शांति स्थापित है, परंतु विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वहां पे हंगामा करने का काम कर रहा है। देखिए विपक्ष का सिर्फ एक उद्देश्य है कि कैसे भी करके हम खाली हुड़दंग मचाते रहें, यही ये सदन में कर रहे हैं। अरे सदन चलाने की जिम्मेदारी क्या सरकार की अकेले है, क्या विपक्ष की नहीं है? तो मान लीजिए ना, फिर विपक्ष की मांग को मान लीजिए, चर्चा होने दीजिए संभल पर, उत्तर प्रदेश। अरे संभल के ऊपर चर्चा करनी है आप कर लीजिएगा। अरे भाई इतनी चलती क्या है आपको, कि मतलब जलते कि किसी जलते हुए शहर के अंदर आप चाहते हैं कि वहां पे पेट्रोल डाल दिया जाए? भला आपको पेट्रोल डालने की इतनी आग क्यों रहती है, पेट्रोल लेके क्यों करते हैं? अरे भाई वहां शांति स्थापित होने दीजिए। सदन नहीं चल रहा है ना, अगर विपक्ष उतना जिम्मेदार है उससे ज्यादा तो सत्ता पक्ष जिम्मेदार है ना, सरकार की जिम्मेदारी होती है ना सदन की कार्यवाही चले शांतिपूर्वक चले। नहीं नहीं ना, कि देश के सामने सच सामने आए, देश के सामने देश की जनता को भी समझ में आए कि भाई क्या सत्य है, क्या क्या हिस्ट्री है। देखिए जब आप रूप बदल ही नहीं सकते हो,
तो फिर ऐसी स्थिति में तो इसका मतलब यही है कि खाली आपको हिस्ट्री करेक्शन के लिए हो रहा है। भाई आप हिस्ट्री के अंदर कुछ भी लिख दोगे कि नेहरू खान गांधी तो हिस्ट्री करेक्शन के लिए तो सर्वे हो रहे ना रोहित जी, और आप खुद एडमिट कर रहे हैं ये बात कि जब कुछ हो ही नहीं सकता है तो फिर सर्वे का फायदा क्या। अच्छा तो आप इतिहास अपना नहीं जानना चाहती पूजा जी, आप क्या। मैं तो आपकी बात कह रही हूँ ना, ये बात तो आपने खुद ही एडमिट की है। नहीं नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना, क्या हम तो खुद ही कह रहे हैं, हम तो खुद ही निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, परंतु इतिहास तो जानना आपका अधिकार है ना। ठीक है दीपक रंजन, इतिहास को जानना का अधिकार है।